जरा साइज देख के बात कर, समझा ना? साइज की फिक्र तो आपको होनी चाहिए, रस्सी बांध के रखो उड़ जाओगे। हाय दया। बलून मुझे बोलते हो? बे तेरी तो, अब मैं बच्चा इधर आ देख मार। हाय। आए ओ तोंदू। हाँ? हाँ? थारी समोसा खा लिया किसी ने या रसगुल्ला चुरा लिया है? अरे रसगुल्ला तो हम खुद हैं, हमारा नाम है हलवाई रसगुल्ला रस्तोगी। हाँ नहीं तो। हाँ भाई, रसगुल्ले मामला क्या है? मामला ये है बीवी जी की। मैडम मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं इस आदमी को। मैडम ये आपको बीवी कह रहा है, आप एक हलवाई की बीवी। मैडम मैं तो ये सोच कर ही कांप रहा हूँ कि आप एक हलवाई की दुकान में बैठकर बेसन के लड्डू बना रही हैं। सतुर करना आते नहीं नहीं गुलगुले, कई लोग मैडम को ना बीवी कहते हैं। कौन कह रहा है मन्ने बीवी? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था जी, कई लोग मैडम शब्द को बीवी कहते हैं। जैसे हम सब्जी मंडी जाते हैं, वहां से सब्जी लेते हैं ना, वो कहता है बीवी जी करेले ले लो, बीवी जी मटर ले लो, बीवी जी टमाटर ले लो। वो गल सुनो, मैडम को बीवी नहीं बोलना, मैडम बोलना, ठीक है? चल मैडम जी, बात ऐसी है कि हमारी हलवाई की दुकान है टिमरकन टोला मोहल्ले में, काफी पुरानी है। अब मैडम त्योहारों और शादी का मौसम चल रहा है, ऐसे में एक आदमी हमारे पास आया और उसने हमसे कहा कि हमारे घर में शादी है एक महीने के बाद, तो उसने कहा कि हम तुम्हें मिठाई का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं और 5,000 आदमी आएंगे। फिर उसने कहा एक शर्त है कि हमारे रिश्तेदार तुम्हारी मिठाई खा के देखेंगे और जो जो सैंपल पास करेंगे वो मिठाई हमारी शादी में बनेगी। हाँ नहीं तो। हाँ तो नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही? अरे मैडम प्रॉब्लम ये है कि हमने सोचा कि हमारी दुकान रस्तोगी एंड सन काफी मशहूर है, एक बार में ही सैंपल पास हो जाएगा। उसने हमें 10,000 रुपए दिए, हमने आओ देखा ना ताओ उसके घर के पिछवाड़े चढ़ा दिया कढ़ाओ। मैडम 20 दिन से लगातार मिठाई बनाते जा रहे हैं और मैडम सैंपल पास ही नहीं हो रहा है। तुम ये FIR लिखवाने आए हो यहाँ पे? अरे आगे तो सुनिए चाचा जी। अब हुआ देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम हमें आज जाके पता लगा कि जो हम सैंपल बना रहे हैं वो रिश्तेदार नहीं खा रहे हैं, बल्कि पीछे की खिड़की से डिब्बों में पैक होके आधे दामों में बिक रहे हैं। और मैडम हमारी दुकान के डिब्बों में जिसमें लिखा है रस्तोगी एंड सन। हाँ नहीं तो। भाई वो तो थारी जो है घनी रेल लग गई है बेटा। अरे मैडम हमारी दुकान त्योहारों में बंद पड़ी है और उसकी निकल पड़ी है। हाँ नहीं तो। भाई बाल को बुलवाओ जरा, हम भी देखे कौन हो रहा है ऐसा 30 मार खां जो अपनी तो दुकान खोले ले रहा है और इसकी बंद करा दी साले ने। हाँ जी जी। ओ जीने तमान नया सत्यम सिवन सुंदरम की शूटिंग हो रही है, जाके कुछ कपड़े मंगा ले दुकान से, ड्रेस चेंज कर। जी सतुर करना आते। ढको साले ने। रंजीत रस्तोगी ईमानदारी से। अबे तो ये भी बता दे कि तेने इस रसगुल्ले के संग के बेईमानी मचा रखी से। देखिए मैडम, इस रसगुल्ला के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जब तक इसकी बनाई हुई मिठाई से हम और हमारे रिश्तेदार जो वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक इसे मिठाई बनाते रहना पड़ेगा ईमानदारी से। हाँ। अरे भाई रसगुल्ला तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ घर, शाम तक काजू कतली का सैंपल तैयार हो जाना चाहिए। अरे रिश्तेदार खाएंगे तभी तो ऑर्डर मिलेगा। एक काम करो, सैंपल में 15 kg बना के तैयार रखना। चलो 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 निकलो। तू रसगुल्ले तू निकल। yes! नहीं इससे डीलिंग हम कर रहे हैं, डोंट वरी। हाँ नहीं तो। सतुर करना आते। ईमानदारी से भाई तेने सैंपल का घना शौक हो रहा है ना, आइयो सामने आइयो। नहीं बोल, यो सैंपल सही है अप्रूव्ड हो रहा है या 2-3 और टेस्ट कराऊं? नहीं नहीं मैडम, बस समझ गए मैडम, बताते हैं मैडम ईमानदारी से। दरअसल मैडम बात यह है कि हमने धोखे से इसे बेवकूफ बनाकर इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। वो क्या है ना मैडम, त्योहारों का और शादियों का मौसम चल रहा है ना, तो धड़ाधड़ मिठाइयाँ बिक रही हैं बड़ा ईमानदारी से। हाँ वैसे मैडम हम ये एक मिठाई का डिब्बा आपके लिए भी लाए थे ईमानदारी से,
अरे हाँ हाँ यार, इतनी देर से वो मिठाई मिठाई सुनकर हमारा भी मिठाई खाने का दिल हो गया है। ला लाओ लाओ लाओ। नहीं नहीं, वो वाली मिठाई नहीं है, दूसरी वाली मिठाई है, ईमानदारी से। हाँ भाई हाँ, दूसरी वाली ही मिठाई खाने को दिल कर रहा है। ला तो ये लीजिए। भाई शाबाश, ईब जो तेने हमें मिठाई खिला दी है ना, तो ईब तू देख ना, हम उस रसगुल्ले को के खिलाते हैं ईमानदारी से। चल निकल ले तू। थैंक यू मैडम। मैडम भाई, थारे केस पर जो है मैंने गौर करा है, सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात उसमें यो आ रही है कि भाई तू हलवाई है भी कि ना है। अरे अगर हम हलवाई नहीं है तो क्या नौवा है या भाड़ भूजने वाले? हाँ नहीं तो। अरे हमें क्या पता यार। अरे अगर हम हलवाई नहीं है तो उस मुफ्त खोर के घर हम क्या बिरयानी बना रहे थे? हाँ नहीं, नहीं। हाँ, कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पार्टी क्या। ओके बाय। अरे यार इतनी सी बात है, तूने ये साबित करना कि तू हलवाई है, सानू करके दिखा दे बस। यो भैया साया, तू एक काम कर, अपना जो अभी है ना कढ़ाई बढ़ाई इक्विपमेंट ना उसने लेकर आ, और हमें जरा तरह तरह की मिठाइयाँ बना के खिला, और ज्यादा जो है ना इतरा कतई ना ना, हम यहाँ मिठाई मिठाई के केस सॉल्व करें, इतने फ्री कोई ना बैठे। शत्रु करना आते मार गया रे। मार डाला रे। ओके ओके, क्यों गया? नहीं, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों हो गया सर? सर नहीं, हाथ जल गया मेरा, लो फूक मारो। लड़की कैसे हो गया? अरे क्या बताऊं मैं कैसे हो गया, या तो मैं भूखे मर जाऊं या पराठे बनाते बनाते मर जाऊं। आज सुबह की बात है, पराठा बना रहा था, पराठे बनाने के लिए मैं पराठे को ऐसे किया, गरम तवा नीचे था, तवे पे मैं डालने वाला था, पराठा स्लिप, तवे से हैंडशेक हो गया मेरा। एंड ये देखिए सर, ऐसा है यो हर बैचलर की यो प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका जो है ना, इसका एक परमानेंट इलाज हमारे पास है। इलाज तो आप ही के पास होगा ना, बताइए बताइए। सर मैं यो सोच रही हूँ, मैं यो बात बोल दूँ, दिल में कतई ना रखूँ। बिल्कुल मत रखिए, हानिकारक हो सकता है, बोल दीजिए बोल दीजिए। सर आप जो है ना, हाँ? ना आप अपने घर मारी ये डोली बोली, नहीं बोली बोलिए बोलिए, टेल से। सर आप अपने घर मारी कुक, खाना पकाने वाली बाई पुष्पा, सर उसने रख लीजिए चाइनीज लेबनीज। हाँ मैंने अभी अभी डायल किया था जी, मैंने ही डायल किया था। इंडियन डोसा, आई एम ऑन द फोन, आई एम ऑन द फोन। सर बढ़िया बना हुआ है, थैंक यू सो मच, आप जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। हां अंडे अंडे उबाल, इट्स ओके, आई एम डन, ग्लव्स पहन के बना लूंगा पराठे, ब्लडी हेल। हाँ मैं खुद नहीं रख लूं भाई। सतुर करना आती आ, बढ़िया बढ़िया। अब तो आप लोग मान गए कि हम हलवाई हैं, हाँ नहीं तो। देखो यार, ये तो साबित हो गया है कि तुम हलवाई हो, मिठाई उठाई अच्छी बनाई तुमने, वेरी गुड। लेकिन ये कहाँ साबित हुआ कि तुम रस्तोगी एंड सन के सन हो? अरे हम रस्तोगी एंड सन के सन नहीं है, तो क्या उनके मुकुंद मौसा और संकटा फूफा हैं? हाँ नहीं तो। यार सिंपल जी गल है, तूने ये साबित करना है कि तुम रस्तोगी एंड सन के बेटे हो बस। तभी तो हम ये केस बना पाएंगे कि तुम्हारी दुकान के नाम का मिसयूज हुआ है। तुम एक काम करो यार, अपने पिताजी को यहाँ ले आओ। अरे हमारे बाप तो दुनिया से कब के बपा गए हैं? मतलब है गुजर गए हैं, हाँ नहीं तो। भाई ऐसा है ना, उस रंजीत रस्तोगी ने भी वही क्लेम कर रखा है कि वो ही असली रस्तोगी एंड सन का सन हो रहा है। yes! और तू तो सिर्फ एंड ही से। और भाई जब ऐसी बात हो रही है तो जब तू असली सन ही ना है रस्तोगी एंड सन का, तो दुकान कैसे हो जाएगी सारी?
नहीं, इस लिहाज से तो दुकान उसकी से और तू तो हो रहा है एक मामूली हलवाई। इब या तो तू किसी तरह यो प्रूफ कर देवे कोई बर्थ सर्टिफिकेट विद फादर्स नेम लाके हमें प्रेजेंट कर देवे, वरना तो निकल ले अपनी मिठाई लेके तू। और अगर तुम रस्त होगी एंड सुन के सिर्फ एंड हो तो तुम्हारे करियर का भी ये एंड है। ठीक है, हम कल ही बर्थ सर्टिफिकेट लाते हैं। हाँ नहीं तो मैडम ये ना। हाँ बढ़िया जलेबी कैसे? बैठे बैठे घूसखोरों पेल रहे हो यो मिठाई, तुम्हारे बाप की दुकान से आई है यो। बाहर पार्क में चिल्ड्रेंस खेल रहे हैं, नाबालिगों में बांट के आओ। इतनी सारी बच्चे बच्चों में बांट के आओ। सही बात है बच्चों में बांटेंगे। Cheers! वाह मैडम वाह, आपने हमारा कितना अच्छा नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया ईमानदारी से। लेकिन मैडम वो रसगुल्ला तो अपना असली सर्टिफिकेट ही लेके आता होगा ना ईमानदारी से। अरे उसकी चिंता तुम मत करो यार, हमारी मैडम एक बार जिद पर आ गई ना फिर वो एक नंबर की अड़ियल लोमड़ी, मेरा मतलब है कि जिद्दी घोड़ी, मेरा मतलब है कि तुम्हारा काम हो जाएगा यार। ऐसा है ही बगैर टाइम वेस्ट करे इन पेपर्स पे तू सेंड कर। नाइन में यो लिख रखा कि तू रस्तोगी एंड सन का सन हो रहा है, यानी कि वो हलवाई की मिठाई की दुकान ना वो थाली से। चल सेंड कर। यार तेरी तो बल्ले बल्ले होगी रस्तोगी की लाखों की दुकान, अब कानूनी तौर पे तेरी हो जाएगी। नहीं जल्दी साइन करो, ज्यादा सोचो मत, इसे कहते हैं टॉप की किस्मत। ओके बाय। तुझे पेन कहाँ साइन करना है मैडम? बस काके यहाँ साइन करना है। ओके ये लीजिए मैडम। थैंक यू भाई, वेरी गुड। ईब तो जो है ना, ना कोई कहीं से भी आ जाए साला चौधरी, ना यो साबित ना कर पाएगा कि तू रस्तोगी एंड सन का सन ना है और वो मिठाई की दुकान थारी ना है। अरे भाई ईमानदारी से सतुर करना आते। मैडम ये रहा हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ नहीं तो यो बर्थ सर्टिफिकेट हो रहा है या खिचड़ी के संग खाने वाला पापड़ हो रहा है यो? अरे मैडम जितना पुराने हमें उतना ही पुराना ये है, इसीलिए थोड़ा गल गया है। हाँ नहीं तो मैडम इसमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, मतलब इसके फादर का नाम इसमें है नहीं है। पर कहाँ है तुम्हारे पिताजी का नाम देखो। अरे लिखा है ना चिरौंजी लाल रस्तोगी। अरे ये देखो सी एल रस्तोगी। हाँ नहीं तो। अब मैडम सी एल रस्तोगी तो चुम्मा ले लो रस्तोगी भी तो हो सकता है। भैया साहेब हो रहा थारा यो सड़ा गला सा जला मला सा सर्टिफिकेट, और एक यो हो रहा है इसका क्रिस्पी है लाइक अ गत्ता एकदम बढ़िया, वर्ड्स भी क्लियर दिखे हैं। फादर नेम चिरौंजी लाल रस्तोगी, सन नेम रंजीत रस्तोगी। भाई इस लिहाज से तो यो दुकान न इस रंजीत रस्तोगी की हो रही, क्योंकि यो ही हो रहा रस्तोगी एंड सन का सन। तू तैने पुलिस को करा है गुमराह और गलत एफआईआर लिखवाने के जुर्म में, धरले साले के गले में टायर डाल के अंदर कर साले को। लेकिन मैडम नहीं तो। चलो है ना नहीं तो। नहीं तो मैडम थैंक यू सो मच। मैडम अब हम चलते, दुकान में अपना ताला भी तो लगाना है ना ईमानदारी से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे लेकिन आप लोग इस तरह से हमें पकड़कर क्यों लेके आ रहे? हमारा कसूर क्या है ईमानदारी से? कसूर थारा ये हो रहा है कि थारी वजह से 50 लोगों की मौत हुई है शहर में। नहीं सजा लगेगी अच्छी खासी, इसको तो होके रहेगी फांसी। ओके बाय। पहले पता होता कि तुम्हारे इरादे ऐसे हैं तो मैडम ने पहले ही तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया होता। अरे जब हमने किसी को मारा ही नहीं है तो 50 लोगों की मौत के जिम्मेदार हम भला कैसे हो गए ईमानदारी से? हाँ पुलिस स्टेशन में FIR आई है, केस आया, कंप्लेंट आई है लोगों की, रस्तोगी एंड सन की मिठाई खा के 50 लोग मर गए। रस्तोगी एंड सन का मालिक तू हो रहा है तो तय नहीं तो करेंगे अरेस्ट। अरे मैडम आप तो जानती है ना कि हम असली रस्तोगी एंड सन नहीं है ईमानदारी से।
मैं कान पे मारूंगा एक चपेड़। वो कागज तो असली थे ना जिसमें तूने साइन किए थे बिरस्तोगी एंड सन का मालिक तू ही है, तो फाड़ दूं, फाड़ दो उस कागज को, लेकिन हमें बचा लो मैडम, फाड़ दो उस कागज को ईमानदारी से प्लीज। थारे बाप के नौकर हो रहे हम, तैने गोद ले लिया है पुलिस ने कि जो तू कहेगा ना उसी हिसाब से यहाँ काम होंगे। कागज फटने के और हेर फेर होने के यहाँ जो है दाम लगे 10 लाख। ठीक ठीक है मैडम, 10 लाख ठीक है, हम देते जान से तो अच्छे नहीं है ना 10 लाख। ये लीजिए 10 लाख, ये साइन। क्या नाम, नाम क्या भरूं? नाम गुलगुले लिखेगा। भर देंगे साइन तो कर दिया। हाँ साइन कर दिया। नाम लिख बेटा, रसगुल्ला रस्तोगी। रसगुल्ला रस्तोगी, लग गया झटका। हाँ ये है चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह जिसमें तुम फंस चुके हो। भाई ऐसा है रसगुल्ले, यो है थारा कंपनसेशन और तू रंजीते ना, अगर तो तू यो चाह रहा है कि भाई हम थारे खिलाफ जो केस की FIR की फाइल हो रही है ना उसे फाड़ दे, तो तू वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ जिसमें यो लिखा है कि ये तैने जो है रोज सैंपल पे सैंपल चिपकाएगा जब तक तू सेटिस्फाई ना हो। अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ हाँ तो ठीक है, पहले कहना था ना मैडम। अरे हम तो वो साथ साथ लेके घूम रहे हैं, ये लीजिए ये फाड़ दिया हमने, ये फाड़ दिया ये। तो भाई थारे खिलाफ भी कोई ऐसा केस वेस ना है, कोई ना मरे 50 लोग। और आगे से तैने अगर ऐसी कोई भी कायापंती की हरकत करी है ना, ना ऐसे इनोसेंट आदमी के संग, तो बेटा इतना लंबा केस ना चलाऊंगी मैं, सीधा एनकाउंटर करूंगी। हमें माफ कर दीजिए मैडम, हमने आपको गलत समझा। हाँ नहीं तो बेटा समझने वाली बात तो सिर्फ इतनी हो रही है, आगे से कोई कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट साइन करने से पहले 10 बार जो है ना आंखें खोल के देख लियो, और लालच में आके कोई ऐसी चीज साइन करने की जरूरत ना है, ना वो भी ऐसे मक्का टाइप आदमी के संग। वैसा खुशी खुशी जाके मिठाइयां बना, पूरा शहर वेट कर रहा है अभी, खुशी का जो है शादी का और त्योहार का मौसम हो रहा है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर मिठाई, जा जम के मिठाइयां बना ले। ओके जी, अरे सुनो समोसा आई मीन रसगुल्ला, तुम सिर्फ ये मिठाइयां ही बनाते हो या कुछ नमकीन वमकीन भी बनाते हो? वो क्या है ना, अगले हफ्ते हमारी भतीजी का जन्मदिन है तो उसके लिए मतलब, अरे हम नमकीन भी बनाते हैं। हाँ? वो अजवाइन की मट्ठी और वो छोटे वाले खस्ता समोसे और वो जो दालमोट होती है ना उसमें थोड़े से काजू कतर के एकदम बढ़िया वाले। अच्छा एक काम करो, देखो तुम ना कुछ सैंपल बना के हमारे घर भिजवा दो 10 kg के करा, बहुत बड़ा ऑर्डर है, बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं। हाँ हाँ सैंपल भेज देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेंगे। अच्छा कितना बड़ा ऑर्डर है? ओ नहीं वो तो नहीं तो